नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। फोर्टिफाइड चावल को लोग समझ रहे हैं प्लास्टिक चावल। कुपोषण मुक्त करने के उद्देश्य से सरकार पीडीएस चावल के साथ फोर्टिफाइड चावल मिलाकर बांट रहे हैं। जिले के कोयलीबेड़ा विकास खंड के विकास पल्ली ग्राम पंचायत में राशन दुकान से दिया गया चावल को प्लास्टिक चावल कहकर लोग डरे हुए हैं। आइए इस पर देखते हैं पंखाजूर से विप्लव कुंडू की यह खास रिपोर्ट। इन दिनों जिले में राशन दुकान की चावल को लेकर लोगों में एक अलग ही तरह की गलतफहमी उत्पन्न हुई है। पहली बार फोर्टिफाइड चावल वितरण होने से चावल के आकार को देखकर लोग इसे प्लास्टिक चावल कहकर राशन दुकान में वापस करने लगे हैं। सरकार कुपोषण दूर करने वितरण होने वाली चावल के साथ फोर्टिफाइड चावल मिलाकर लोगों को वितरण किया, जो आकार में अलग दिखता है, जिसे लोग प्लास्टिक चावल कहकर चावल को वापस कर रहे हैं। कोई चावल को उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरह गलतफहमी से लोग जहां डरे हुए हैं, लोगों का कहना है कि इस तरह चावल में पहली बार वितरण करने से लोग डरे हुए हैं। वहीं खाद्य अधिकारी से फोन से इस पर बात किया तो उनका कहना है कि ये चावल पौष्टिक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की चावल के बारे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है। प्रशासन इस तरह चावल वितरण करने से पहले लोगों को जागरूक करना जरूरी है, नहीं तो गलतफहमी के चलते लोग इस चावल को उपयोग करने में कतरा रहे हैं। 100 चावल के दाना के साथ एक दाना फोर्टिफाइड चावल मिलाया जाता है।